लेफ्ट वर्ड। अभी आपको क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। तो सिंपल यहाँ पे चले जाइए, अब आपकी बिट जो पहले लेफ्ट हो रही थी अभी वो सीधे राइट की तरफ हमारी शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब मेरे पास साथ यही लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे एक बिट दे देता हूं, तो देखिए यहाँ से सारी बिट्स राइट हो जाएंगे। जीरो प्रेस करेंगे, देखिए राइट मतलब क्या, ये लास्ट वाला वन इधर चला गया, फिर ये जीरो इधर, फिर वन, देन वन, तो ये डबल वन, एंड देखिए सारी बिट आप देखेंगे यहाँ से ध्यान से, ये बिट हमारी क्या हो गई, शिफ्ट हो रही है एक एक। आप चाहते दो दो बिट शिफ्ट हो तो टू कर दीजिए, ये देखिए यहाँ से दो दो बिट हमारी शिफ्ट हो जाएंगे राइट की तरफ, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। तो ये है शिफ्ट राइट वर्ड। आप चाहते शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड अगर आपको करना है तो डबल वर्ड में एम डी जीरो, देन यहाँ से एम डी फोर, और रिजल्ट यहाँ पे एम डी एट आ गया। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और रन करके टेस्ट कर लीजिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पीएलसी में मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप एड्रेस दे दीजिए एम डी जीरो, उसके बाद यहाँ पे एम डी फोर, देन यहाँ से एम डी एट ले लीजिए। पहले वाले में आप फॉर्मेट यहाँ पे बाइनरी ले लीजिए, दूसरा यहाँ से डेसिमल कर लीजिए, देन फिर यहाँ पे बाइनरी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ क्योंकि तो मेरे को क्या करना है, रिजल्ट मेरे को देखना है। ये मैंने एक बिट दे दिया, यहाँ पे मैंने वन दे दिया क्योंकि शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड करना है, मुझे लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। मॉडिफाई एंड मॉनिटर कर दीजिए, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, मुझे लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा, तो लेफ्ट मतलब इधर। देखिए ये वाला है, अभी रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू हमारी शिफ्ट हो रही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इनपुट जीरो प्रेस करूंगा, आप देखेंगे ये मेरे पास पुरानी वैल्यू थी और ये नई वैल्यू आई है यहाँ पे। तो देखिए पुरानी वैल्यू देखते हैं, ये 0001, अब ये किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये वन इधर खिसक गया, तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, सारा शिफ्ट हो गया इधर की तरफ। देखिए ये वन यहाँ था तो वन इधर गया, तो वन, और इधर का वन इधर, तो ये डबल वन हो गया, इधर वन 0000, देन एक और जीरो 40, और इधर देखिए सारा खिसक गया। अगर मैं यहाँ पे दो कर देता हूँ तो दो दो क्या होगा हमारा, दो दो हमारा यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एन के अंदर जो हमारा चेंजेज है वो क्या है, हमारा एन के अंदर जो चेंजेज है वो क्या है, हमारे कितनी बिट शिफ्ट करना है। जैसे मैंने दो कर दिया तो दो दो का देखिए यहाँ पे चेंजेज होंगे, ये हमारे दो दो हमारी शिफ्ट हो गई, ये जो वन है वो इधर आके आ गया, देखिए यहाँ पे फाइनली देखिए दो दो बिट हमारी खिसक गई ये सारी। तो ये शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर आपको शिफ्ट राइट डबल वर्ड करना है तो सिंपल सेम एड्रेस आप दे देंगे, यहाँ से एम डी फोर और एम डी एट ले लिया, और उसके बाद यहाँ से रन करा लीजिए। रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं जो बिट हमारी शिफ्ट लेफ्ट में हो रही थी अभी देखिए राइट में हो जाएंगी सारी बिट शिफ्ट। अब जैसे इनपुट प्रेस करेंगे ये देखिए ये राइट की तरफ, ये जो वन है इधर खिसक गया, देखिए ये वाला पोर्शन पूरा वैकेंट हो गया, एंड इधर सारी बिट शिफ्ट होगी, एक एक करके सारी शिफ्टिंग हो गई। अगर मैं यहाँ पे दो कर दूंगा तो बिट हमारी क्या होगी, देन यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिए, तो अब हमारी बिट हमारी डबल डबल शिफ्ट हो जाएंगी, यानी ये बिट यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए डबल डबल की शिफ्टिंग हो गई हमारी यहाँ पे क्लियरली। तो ये हमारा शिफ्ट राइट है डबल वर्ड, ये देखिए बिट शिफ्ट। ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है ये बेसिकली डेसिमल में आ रहा है, ये रिजल्ट से नहीं, आप बिट देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी बिट। अगर आप यहाँ पे तीन कर देंगे तो सारी जो बिट है वो शिफ्टिंग थ्री थ्री की होगी, अगर यहाँ पे तीन कर दिया आप देखेंगे तीन बिट शिफ्ट हो गई, देखिए यहाँ पे तीन तीन बिट हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। इसको सॉरी यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया, मुझे मॉडिफाई करना होगा, ये देखिए मॉडिफाई किया, अब यहाँ पे देखेंगे तो तीन बिट आपकी शिफ्ट हो गई, ये देखिए वन नंबर देखो कहाँ जाके शिफ्ट हुआ, ये वन यहाँ जाके गया सीधे, ये देखिए तो तीन तीन का ये यहाँ पे डिफरेंसेस जनरेट होके आ रहा है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, रोटेट डबल वर्ड है, रोटेट लेफ्ट डबल वर्ड। रोटेट का मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो रोटेट होके घूम फिर के वापस आ जाएगी। शिफ्टिंग में क्या होता था, वैल्यू वापस नहीं आती, वैल्यू बढ़ती रहती है लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ वैल्यू जाएगी, लेकिन रोटेट में हमारा क्या होगा, वैल्यू वापस आ जाएगी। यानी देखिए यहाँ पे ये हमारे पास, देखिए ये हमारे यहाँ पे ये वैल्यूज है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने वन वन कर दिया यहाँ पे राइट, और ये मैंने वन कर दिया क्योंकि एक रोटेट करना है मुझे, तो रोटेट हमारा लेफ्ट की तरफ है, यानी लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा इधर की तरफ। तो यहाँ देखेंगे ये सबसे लास्ट वाला जो वैल्यू है, मैं ये जीरो कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा,
और यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। तो ये जो है रोटेट लेफ्ट की तरफ क्या है, ये वैल्यू घूम के बैक साइड में आएगी। ये देखिए रोटेट लेफ्ट है, मैं जैसे इनपुट प्रेस करूंगा जीरो, या देखिए ये वैल्यू घूम फिर के वापस आ रही है बैक साइड में। ये जो वन है ये बैक साइड में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 1001 हो गया, यानी इधर से वैल्यू घूम के बैक साइड में आ रही है। ये देखिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि ये शिफ्ट भी हुआ है ना, यानी शिफ्ट भी हुआ है और रोटेट भी हुआ है, एक एक करके बिट शिफ्ट हुआ है। तो जो ये बिट जो निकल रही है लास्ट वाली, क्योंकि ये लेफ्ट में है, तो ये घूम के वापस पीछे आ गई। ये देखिए ये घूम के क्या आ गई, वापस पीछे आ गई। तो यानी ये अगर मैं दो कर दूंगा यहां से, तो दो दो की शिफ्ट, यानी जो डबल वन है बैक साइड।